हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक जादुई ड्रिंक शेयर कर रही हूं। दोस्तों, इस ड्रिंक का सेवन अगर आप एक हफ्ते लगातार करते हैं तो आपका वजन जो है 2 से 3 किलो घट जाएगा। जी हां दोस्तों, जो वैली फैट होता है यानी हमारी तोंद जो कम होने का नाम नहीं लेती, अगर आप इस ड्रिंक का सेवन रोजाना करेंगे तो आपकी तोंद भी कम हो जाएगी। यानी तोंद किसी भी वजह से हो, जैसे आप प्रेगनेंसी के बाद भी हमारा पेट काफ़ी निकल जाता है और या फिर हम बैठे रहते हैं सारा दिन तब भी पेट निकल जाता है, बहुत सारी वजह होती है पेट निकलने की यानी तोंद आने की, वैली फैट आने की, कोई भी वजह हो, वैली फैट को बहुत जल्दी घटाता है, आपके वजन को बहुत जल्दी घटाता है। दोस्तों, आप बहुत सारे ड्रिंक का सेवन करते होंगे, एक्सरसाइज भी करते होंगे, लेकिन जो वजन है वो तेजी से नहीं घटता, लेकिन इसको पीने के साथ आपका वजन तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है इस ड्रिंक को बनाना, बस आपको सेवन करने का तरीका पता होना चाहिए। और आपको बता दें, इस ड्रिंक के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके साइड इफेक्ट हैं तो मैं आपको बता दूँ, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसको पी सकता है। लेकिन मैं कहूँगी छोटे बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे गोल मटोली अच्छे हैं। आजकल मम्मी पापा अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पर बच्चों को जैसा है वैसे रहने दीजिए, बस आप लोग इस ड्रिंक का सेवन करिएगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आपको ये ड्रिंक कैसे बनाना है और इस ड्रिंक के क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो केवल आपको फ़ायदा देने वाला है, सारी डिटेल आगे की वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे उस रेड कलर का बटन, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, आगे का वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि ड्रिंक कैसे बनाना है और इसका सेवन भी आपको कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये ड्रिंक तैयार करते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास पानी। तो दोस्तों, 1 गिलास में नहीं, ये बड़ा 1 कप है, इसमें लगभग 1 गिलास पानी आता है। तो मैंने इसे पानी उबालने वाले या चाय बनाने वाले बर्तन में से डाल दिया है। दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 चम्मच जीरा। जी हाँ, जीरा जो होता है वो हमारे वज़न को तेज़ी से कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जीरा में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। साथ ही जीरा हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर मेटाबॉलिज्म दर जो होगी वो कम होगा, रेट जो होगी वो कम होगा, तो हम अपने शुगर और फैट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, यानी वो चर्बी के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में चर्बी इकट्ठा नहीं हो पाती, फैट इकट्ठा नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमारा वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से कम होता है। साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा डाला है। दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अदरक। जी हाँ, मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे एक जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उसमें डाल के अच्छे से कूट लेंगे ताकि इसका रस आसानी से बाहर आ जाए, और इसे भी इस पानी में ऐड करके इससे साथ में उबालेंगे जीरे के। दोस्तों, अदरक में भी कैलोरी नहीं होती है, और अदरक भी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे हमारा वज़न काफ़ी तेज़ी से कम होता है। लेकिन आपको बता दें, अगर आप अदरक का ऐसे ही सेवन करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के साथ सेवन नहीं करते, तो अदरक आपको स्लिम करने में कोई हेल्प नहीं करता। तो इसे जीरे के साथ ही इसका सेवन करना है। इन दोनों को आपस में उबाल लेंगे। दोस्तों, ये अदरक और जीरा है, आपको बता दें ये जो ड्रिंक है हमें दिन में 2 बार पीनी है। तो अगर आप चाहते हो कि दोबारा भी इस अदरक और जीरे को हम लोग यूज कर लें, तो आपको बता दें, मैंने सुबह ये ड्रिंक बनाई थी और ये अदरक जीरा अभी तक रखा हुआ है, तो मैं भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो यानी आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अब दोबारा जब ड्रिंक बनाएंगे तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या है ना कि मुझे आपको बताना था, इसलिए मैं फिर से नया जीरा और अदरक डाल रही हूँ, दोबारा भी बना रहे हो, तो आप जो सुबह जिस जीरे और अदरक को आपने उबाला था उसे ही यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अगर चाहें तो अलग से भी जीरा अदरक ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें, मैं ये जो है अदरक और जीरा इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब इस ड्रिंक को हमें क्या करना है, 3 से 4 मिनट अच्छे से उबाल लेना है। ठीक है, हमें काढ़े की तरह नहीं उबालना है कि ये आधा रह जाए, इसे अच्छे से उबालना है कि अच्छे से जो अदरक और जीरे का जो रस है, वो जो गुण है, वो इस पानी में आ जाए। अभी अच्छे से उबल गया, अब हम क्या करेंगे, 1 कप में इसे छान लेंगे।
दोस्तों जीरे और अदरक का पानी बनके तैयार है। अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम आधा नींबू। जी हाँ, नींबू में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं और कुछ अम्लीय तत्व होते हैं जो चर्बी को घटाने में हेल्प करता है, हमें स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। जी हाँ, और इसमें ऐड करने वाले हैं हम आधा चम्मच शहद। जी हाँ, नींबू और शहद, हम सभी जानते हैं अगर गुनगुने पानी के साथ हम नींबू और शहद का सेवन करते हैं तो हमारा वजन घटता है, लेकिन अगर आप तेज़ी से घटाना चाहते हैं तो आपको इस नींबू और शहद के पानी में अदरक और जीरे को भी ऐड करना होगा, जिससे वज़न जो है आपका वो और तेज़ी से घटेगा। तो हमारी ये जो ड्रिंक है वो बनके तैयार हो गई है। मैं आपको बता दूं इस ड्रिंक को आपको कैसे लेना है, यानी इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों सुबह के टाइम खाली पेट आपको ये ड्रिंक लेनी है। जी हाँ, चाय को रिप्लेस कर सकते हैं आप अपनी इस ड्रिंक के साथ। और शाम को जब हम दोपहर का खाना खा लें उसके 2-3 घंटे बाद, यानी 5 से 6 बजे का जो टाइम होता है जिस टाइम हम लोग चाय लेते हैं, उस टाइम आपको ये ड्रिंक लेना है। जी हाँ, उस बीच आप याद रखेंगे खाने के बाद बीच में कुछ और ना खाते रहें, ठीक है। थोड़ा सा हमारा पेट खाली होना चाहिए, उस वक्त आपको ये ड्रिंक लेना है। जी हाँ, दिन में 2 बार इस ड्रिंक को पीजिए और 1 हफ्ते में आप देखिए आपको असर दिखेगा। दोस्तों इस ड्रिंक के साइड इफ़ेक्ट की बात करें, वैसे तो इस ड्रिंक का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नींबू और शहद सूट नहीं करता है तो हो सकता है नुकसान हो, या फिर कुछ लोगों को जीरा नहीं सूट करता, कुछ लोगों को अदरक नहीं सूट करता, क्योंकि हमारे शरीर जो होता है, हमारा शरीर होता है उसकी मांग, उसकी जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ सूट करता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट नहीं करती, तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप 2 दिन इसको पीते हो और अगर आपको लगता है कि ये हमें सूट नहीं कर रहा है तो आप इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आपको लगेगा कि ये ड्रिंक बहुत ही गर्म होगी, इसको सेवन करेंगे तो इतनी गर्मी में, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, इस सीज़न में इस ड्रिंक को सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने जीरे को ऐड किया है। जीरे की तासीर ठंडी होती है, बाकी चीज़ें हैं जैसे अदरक है और शहद है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये बैलेंस करता है, तो ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। और हाँ, इसका हमें गुनगुना सेवन करना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी सेवन नहीं करना है कि चाय की तरह से गर्म सेवन करें, हल्का गुनगुना ही इसका सेवन करें। दोस्तों मेरी जो ड्रिंक है वो ठंडी हो जा रही है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी पी लेती हूँ और मैं शाम के टाइम पी रही हूँ। इस समय बज रहा होगा 4:30, इस समय 4-5 बजे हमारे घर में चाय बनती है, तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, उसके जगह ये ड्रिंक ले लेती हूँ। ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है हमारी स्किन के लिए, हमारे मोटापे को कम करने के लिए, और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है जीरा, और लड़कियों के लिए जीरे वाली ड्रिंक काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं फटाफट इसको पी लेती हूँ और फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। मेरी ड्रिंक हो गई खत्म और जीरा आ गया मेरे मुँह में। जीरा नहीं, ये तो नींबू है, जीरा तो मैंने छान लिया था। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है इस ड्रिंक को बनाना और उतना ही टेस्टी है इस ड्रिंक को पीना। तो दोस्तों आप केवल इसे 7 डेज पी के देखें, मैं नहीं कहूँगी कि आप महीने भर से पें, पहले 7 दिन पी के देखें आप, पहले वज़न कर लीजिएगा, उसके बाद उसको पीना शुरू करिएगा, और जो भी इफ़ेक्ट रहा, जो भी इसका आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, वो मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। और दोस्तों इस ड्रिंक को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और दोस्तों इस ड्रिंक को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ दोस्तों, आपके मन में कोई भी ऐसी सवाल है, चाहे वो हेल्थ को लेकर, चाहे वो स्किन को लेकर, चाहे वो मेरे हेयर को लेगा, हेयर पर ध्यान मत दीजिएगा, आज पता नहीं कैसे अजीब से हो गया है, क्योंकि मैंने शैम्पू किया उसके बाद बहुत देर तक अपने बालों को नहीं झाड़ा था, तो मेरे हेयर पे ध्यान मत दीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है हेयर को लेकर भी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जरूर उसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है ग्लैम श्रुति, जहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट रिव्यू, ब्यूटी प्रोडक्ट रिव्यू, मेकअप रिव्यू, मेकअप ट्यूटोरियल आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरा दूसरा चैनल ग्लैम श्रुति को भी अपना प्यार दीजिए, मेरा नया चैनल है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर इस चैनल को विजिट करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।